Dear student, welcome to our today's class. Our today's topic is algebraic identities. हमारा अगला टॉपिक है ये और आपकी बुक में या आपके सिलेबस में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड दो क्वेश्चन आते हैं। वो दो क्वेश्चन हमें पूरे ध्यान से सॉल्व करने होते हैं, जिनके मार्क्स होते हैं 4 या 5। तो 5 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। 4 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पर, तो आप ध्यान से उन आइडेंटिटीज को देखिएगा। और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है एल्जेब्रा जो हमारा टॉपिक चल रहा है पॉलिनोमियल में, जिसमें हम कॉन्स्टेंट और वेरिएबल का स्टडी करते हैं। तो देखिए वो आइडेंटिटीज क्या है। इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी, जिसको हम बोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने 6, 7, 8 क्लास में भी पढ़ा होगा और इस साल भी आपका कंटिन्यू रहेगा। कई सारी किताबें, कई सारी बुक्स ए प्लस बी नहीं लिखकर यहाँ पर लिखती है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि आपका ये फर्स्ट वैल्यू है और ये सेकंड वैल्यू है, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। ध्यान दीजिए आप, पहले पहले वाले का स्क्वायर, फिर लास्ट में बाद ही बाद वाले का स्क्वायर, और बीच में 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यही फॉर्मूला कई सारी बुक्स में ए प्लस बी के नाम से होता है और बहुत सारी बुक्स में एक्स प्लस वाई के नाम से होता है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, दोनों फॉर्मूलों का मतलब एक ही है। हमारी सेकेंड आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और क्योंकि बहुत सारी बुक्स ए माइनस बी नहीं लेकर एक्स माइनस वाई लेती है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। इन दोनों आइडेंटिटीज को अगर आप ध्यान से देखते हैं, तो क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है इसलिए सभी जगह प्लस आता है, और क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है इसलिए यहाँ पर बीच में माइनस आता है, बाकी सभी जगह प्लस होता है। दोनों आइडेंटिटीज को आप कंपेयर कर लीजिएगा, दोनों आइडेंटिटीज को ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। अब हम थर्ड आइडेंटिटी पे चलते हैं। आपकी थर्ड आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये, बहुत काम आती है मैथमेटिक्स में, हमें ध्यान रखना होगा इसको। तो इसकी जगह आता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि अगर कहीं लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसकी जगह आप जरूरत के हिसाब से लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, या अगर कहीं लिखा हुआ है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उसकी जगह आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जितनी आइडेंटिटीज हैं तीनों, ये वाइज वर्सा होती है। आप इनको अगर लेफ्ट हैंड पार्ट लिखा हुआ है तो आप उसको राइट हैंड पार्ट लिख सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और अगर राइट हैंड पार्ट लिखा हुआ है तो आप लेफ्ट हैंड पार्ट यूज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हमारी जो चौथी आइडेंटिटी है वो है हमारी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो हमें डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेना है, और ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर ए बी ए प्लस बी एक्स और इंटू ए बी। ध्यान दीजिए आप, अगर कहीं लिखा हुआ है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। तो ये 4 आइडेंटिटीज है, इन 4 आइडेंटिटीज पर बेस्ड हमारी पूरी एक एक्सरसाइज है, उसके हम क्वेश्चंस करेंगे 1 बाय 1। आप इन सारी आइडेंटिटीज को लर्न कीजिए, याद कीजिए, और जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज इतना ही, इनको आप ध्यान से लर्न कीजिएगा, और अगर फिर भी समझ में ना आए तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।